हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसएससी गाइस। गाइस, हम सबको पता है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, वैकेंसीज ऑलमोस्ट 5000 वैकेंसीज के करीब आने की उम्मीद है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी काउंट होती हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज से बाद में हमें क्या करना है, वैकेंसीज आने के बाद हमें फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद हमें करनी है प्रिपरेशन रिटेन एग्जाम की। रिटेन एग्जाम की बात करें तो रिटेन एग्जाम में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरीके से आपकी मैथ्स इंपॉर्टेंट है, जीएस इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ आपकी हिंदी और जो है रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल से इसका लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको जो है हर चीज़ को जो है थोड़ा डीप पढ़ना होगा। ठीक है, अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जीएस का जो कि हम लोग आम तौर पर मिस कर देते हैं। क्यों मिस कर देते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि 5 से 6 नंबर का जो है ये एक टॉपिक है, तो इसमें इतना टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 से 6 नंबर का जो टॉपिक है, ये आज की डेट में 8 से 9 नंबर का हो चुका है। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स का जो अब नंबर ऑफ पोर्शन है या फिर जो है पोर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। ठीक है, उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि 10 से 12 ऑलमोस्ट 10 या मिनिमम 10 तो आप मान के चलिए कि 10 से करंट 10 आपको करंट अफेयर्स मिलने ही मिलने हैं। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि उस तरीके से आप अगर करंट अफेयर्स को करेंगे तो आपके यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के करंट अफेयर्स 10 करंट अफेयर में से आप कम से कम 8 से 9 करंट अफेयर्स आप टिक करेंगे। करना क्या है आपको, हम डे बाय डे या फिर वीक में जो है कोशिश करेंगे, वीक में आपको 6 से 7 वीडियो हम कैसे भी करके आपको प्रोवाइड कराएं, 6 से 7 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको करना क्या है, 10 से 12 मिनट की वो वीडियो है, पर डे हम कोशिश करेंगे अपलोड करने की। 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको 10 से 12 ही क्वेश्चन मिलेंगे वो करने के लिए। 10 से 12 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है डे बाई डे। अगर हम 10 से 12 करंट अफेयर्स पढ़ते गए, अभी हमारे पास अप्रॉक्स 2 से 2.5 महीने हैं, और मैक्सिमम हो सकता है कि आपको 3 महीने से भी ऊपर का टाइम मिले। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको डे बाय डे जो है करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अगर आप 2 या 2.5 महीने भी आप मान के चलते हो, आप हम मान रहे हैं हम 2 महीने मिनिमम मानते हैं, 2 महीने भी अगर आपके पास हैं, आपके पास 60 डेज हैं और 1 महीना पुराना, पुराने करंट अफेयर्स भी हम आपको कराएंगे, क्योंकि 1 महीने पुराने जो करंट अफेयर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आप मानिए कि 90 डेज का आपका करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है 90 डेज में। ठीक है, जो एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन पहले का जो करंट अफेयर्स होता है वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, क्योंकि उससे पहले ही आपका एग्ज़ाम का जो पेपर है वो जो है रेडी हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको 90 डेज का करंट अफेयर तैयार करना है। 90 डेज का करंट अफेयर्स का मतलब है आपको 90 डेज की हमारी वीडियोस देखनी है, उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर हम 10 क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करें तो आपको 900 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप कहें, आपको 1000 से 1100 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और 1000 से 1100 क्वेश्चन आपको कितने महीने में पढ़ने हैं, 3 महीने में। ठीक है, तो 3 महीने का जो टाइम है वो बहुत होता है। ठीक है, 3 महीने में आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और 3 महीने में अगर आप वो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, 10 से 12 ना तो आपका कोई टाइम जाएगा, वो आपको 10 से 12 मिनट में जो है आपको वो पूरी वीडियो आप कवर कर लेंगे। ठीक है, 10 से 12 मिनट में आप वीडियो जो है उसको कवर कर लेंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो पे आपको कंसंट्रेट करना है, वीडियो आपको देखनी है, और आपके करंट अफेयर्स यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ पहली वीडियो है, इस वजह से मैं आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। अगली वीडियोस और भी शॉर्ट होंगी, आप मान के चलिए 7 से 8 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट, 7 से 8 मिनट आप हमें दीजिए, आपकी करंट अफेयर पर डे की तैयार होती चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ जो है 10 से 12 करंट अफेयर हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो 10 से 12 करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ने हैं और उसे हम जो है पढ़ेंगे। तो आपको हम पहली बता दें कि जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ने हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आपको डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और वही आपको पढ़ने हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए, ठीक है। बेल आइकन आप दबा लेंगे तो आपको जो भी हम वीडियोज़ डालेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के दिन की पहली वीडियो है हमारी और जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज पहली वीडियो है तो थोड़ा सा हमें सिस्टम में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बट आगे से इसकी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हैप्पीनेस जो ग्लोबल सर्वे है, ठीक है ना, हैप्पीनेस का जो ग्लोबल सर्वे है उसमें आपको जो है देखना है कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। कौन शीर्ष पर रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके पे शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो बने हैं आपके लासित मलिंगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लासित मलिंगा की बात होती है तो लासित मलिंगा कौन से देश से हैं? तो लासित मलिंगा जो हैं आपके ये श्रीलंका से हैं, ठीक है ना, श्रीलंका से हैं। इन्होंने अभी अभी T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ये बन गए हैं। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? इन्होंने पीछे छोड़ा है शाहिद अफरीदी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है ना, तो यशस्विनी देसवाल ने जीता है आपका, इसमें जीता है आपका यशस्विनी देसवाल ने, इसमें आपका जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, माफ कीजिएगा, इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल इसमें इन्होंने जीता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने गगनयान मिशन के लिए भारत अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षण करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रशिया ने। रशिया ने जो है भारत को जो है गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण करने की जो है घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, हाल ही में वैलरी हॉर्पर का जो है निधन हुआ है, वैलरी हॉर्पर का निधन हुआ है, वे कौन है? तो वैलरी हॉर्पर जो है ये एक एक्ट्रेस हैं, ठीक है ना, इनका जो है निधन हुआ है, ये एक एक्ट्रेस हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे जो है गेंदबाज जो बने हैं वो आपके बने हैं जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह की बात आती है तो जसप्रीत बुमराह कहाँ से हैं? जसप्रीत बुमराह हैं आपके इंडिया से, जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाज हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को पूर्वी काली मंथन में स्थानांतरित किया है? तो किस देश ने जो है अपनी राजधानी को पूर्वी काली मंथन में स्थानांतरित किया है? तो ये किया है आपका इंडोनेशिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया जो कि एशिया का ही एक देश है, ठीक है ना, इसने अपनी जो है राजधानी, जो इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी आपकी जकार्ता, ठीक है, जकार्ता को इसने जो है पूर्वी काली मंथन में स्थानांतरित कर दिया है। तो अब न्यू जो कैपिटल है इंडोनेशिया की वो क्या है? वो है आपकी काली मंथन, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट है, हाल ही में BSF के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक जो है BSF के 25वें वो कौन बने हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवेक कुमार जौहरी, इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, विवेक कुमार जौहरी इसका आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, विवेक कुमार जौहरी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में गैस आधारित बिजली संयंत्र के लिए रिलायंस पावर ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो रिलायंस पावर ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इन्होंने जो है बिजली संयंत्र के लिए जो है गैस आधारित बिजली संयंत्र के लिए बांग्लादेश के साथ जो है इन्होंने समझौता किया है। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि आपकी जो गैस से जो बिजली बनती है उसका एक पावर प्लांट जो है ये लगाएंगे कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की चौथी महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, जो भी इलेक्शन बॉडीज हैं वर्ल्ड की, उनका जो है एक महासभा होगी, तो उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा आपका ही अपना राज्य बेंगलोर। ठीक है ना, बेंगलोर उसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। ठीक है ना, क्या है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके राजेंद्र बी आकलेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, हाल ही में भारत का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया है? तो जो इसका ये जो कचरा कैफे है, पहला कचरा कैफे जो है ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है पहला कचरा कैफे खोला गया है। अब मैं आपको बता दूं कि कचरा कैफे में क्या होगा। कचरा कैफे में होगा कि आपको जो भी लोग कचरा इकट्ठा करते हैं वो कचरा इकट्ठा करेंगे, और वो कचरा इकट्ठा करने के बाद इस कचरा कैफे में ला के देंगे, और इस कचरा कैफे में जब वो कचरा देंगे तो उनको जो है वहाँ पे खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह सब उनको दिया जाएगा। जितना उनका कचरा होगा उस हिसाब से उनको खाना दिया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के दिन के 12 मेजर करंट अफेयर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, उनमें सब इसको शेयर कीजिए। ठीक है, आप अगर शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी जो है इसमें फ़ायदा होगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो है सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।